मंच पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राम गोपाल यादव जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रचार जी के गुप्ता जी, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, एमएलसी, सांसद अक्षय जी, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज लाइब्रेरी के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरे से पूर्व ही संचालक महोदय ने और अभी चाचा रामगोपाल यादव जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं आपके सामने कि शिक्षा का क्या महत्व है और लाइब्रेरी का आज के समय भी कितना महत्व है। और कई बार गूगल से भटक जाने के बाद क्या हो जाता है। मैं संचालय महोदय को धन्यवाद दूंगा कि हमारे एक एमएससी का नाम आपने कई बार लिया। मुझे लगता है कि संचालन महोदय से मिले जुले थे थोड़े कुछ, क्योंकि उनका परिचय करा रहे थे वो। और पहले तो वो यादव बन गए और बाद में उन्हें याद दिलाया गया तो वो ठाकुर बन गए। और मान लो अगर संचालन महोदय से थोड़ी गलती और हो जाती और वो कह देते कि एमएलसी उदयवीर सिंह ठाकुर है तो क्या हो जाता, और आगे लग जाता ठाकुर तो क्या हो जाता। तो कई बार हमारे समाज में भी ऐसी चीजें हैं। हालांकि मथुरा में ठाकुर जी किसको कहते हैं वहां से बेहतर कौन जा रहा और अगर आगे ठाकुर लगे और पीछे ठाकुर लगे वो भी आप जानते हो क्या हो जाता है। तो अच्छा है कि गूगल जितने नहीं भटकेंगे। और मुझे याद है कि एक बार इसी एक्सप्रेसवे पे कुछ नौजवान नई सफारी खरीद करके लाए थे और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी उसकी। सरकार के लोग ये आरोप हम पे लगा रहे थे कि आपने सड़क गलत बनाई है। और जब मैंने जानकारी की तो वो नए नौजवान थे, गाड़ी लेकर के आए थे, उन्होंने गूगल पे सेट कर दिया था। उन्हें आगरा से कन्नौज जाना था और क्योंकि गूगल रास्ता दिखा रहा था तो वो रास्ते पे चल रहे थे। उनसे गलती ये हुई कि एक्सप्रेस वे पे न चल करके वो सर्विस लेन पे चल रहे थे और रात के अंधेरे में जानते वो पुलिया भी गिरे थे, 100 फीट पीछे जाकर गिरे थे। तो ये सही है कि जहां एक समय पर किताबें महंगी थी लेकिन आजकल डेटा महंगा है, क्योंकि आपके मोबाइल पर अगर डेटा चाहिए आपको उस सीमा तक तो फ्री है। वो इसलिए है कि एक जमाने में कुछ लोग कहानी बताते हैं कि जब लोग चाय नहीं पीते थे तो उन्हें जबरदस्ती चाय पिला दी जाती थी और उतने बुजुर्ग नहीं हो क्योंकि तुम्हें फ्री मिली हो चाय। लेकिन जो बुजुर्ग रहे होंगे उनसे उन्होंने अपने लोगों से सुना होगा तो यही कहा जाता है कि पहले चाय कोई नहीं पीता था, उन्हें चाय पिलाने की आदत डाली गई और ऐसी आदत डाली गई तो सिर्फ में ये आ रहा है कि जो भोजन लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जब चाय पिलानी होती थी तो लालच ये दर्जार हुआ कि रजाई की सुई जो बुनते क्या कहेंगे धागा डालने वाली 3 सुई मिल जाएंगे अगर आप चाय पी लोगे। और देखो किस जमाने में आदत पड़ी थी चाय की। और 100-125 साल हो गए होंगे, अब तो सब चाय वाले हो गए, चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये भी देखो चाय की महंगाई
महंगाई ऐसी है कि अब कितने रुपए की चाय होगी ये बताओ। अब ये एक पौधे में मलाई वाली एक तो कहोगी कहोगे और कहां कहोगे यार। तो ये पता नहीं है कि चाय और चाय की क्या कीमत रही होगी, 10 रुपए हो गई है। और सोचो अंडा भी महंगा है बराबर का ही है लगभग, पानी ज्यादा रखते हुए। तो ये चाय और चाय इधर फेमस बहुत हुई है, उसका कारण दूसरा भी है कुछ, लेकिन चाय का स्वाद अच्छा नहीं रहा। और डॉक्टर के पास जाओगे आप, अगर आपको डायबिटीज है, कोई बीमारी है, एसिडिटी है, तो सबसे पहले डॉक्टर कहेगा कि आप चाय छोड़ दो, नहीं तो और गंभीर बीमारी हो जाएंगी आपको। थोड़ा समय लगता है उस डायबिटीज तक पहुंचने में, डायबिटीज और बीमारी तक समय लगता है पहुंचने में, और हमें लगता है कुछ दिनों बाद नौजवान जरूर वहां पहुंच जाएंगे और ये एहसास करेंगे कि अब उन्हें चाय नहीं पीनी है, कोई रास्ता दूसरा पाना। यूनिवर्सिटी में आज सॉरी कॉलेज में आज यहाँ एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है और हमें उम्मीद है कि कॉलेज की सबसे अच्छी जगह कोई मानी जाए तो वो लाइब्रेरी मानी जानी चाहिए, जहां किताबें पढ़ने का मौका मिलता है, ज्ञान मिलता है, और अच्छी किताबें जो हमें खरीद नहीं सकते हैं वो भी हमें लाइब्रेरी में मिल जाती है। लेकिन इधर बहुत बदलाव हुआ है चीजों में, जो हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाइयां थी, जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, उसकी एक सीमा है नौकरी पाने की। लेकिन जो बदलाव दुनिया में आया है, जो अब बदलाव की वजह से व्यापार भी बदल गया है, और ये अब जाने वाला नहीं है इंटरनेट और ये कंप्यूटर और लैपटॉप, ये जाने वाला नहीं है और ना मोबाइल जाने वाला है। अब हमें क्योंकि मोबाइल के साथ भी जीना पड़ेगा, इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जीना पड़ेगा। और आज अगर हम देखें, वैसे तो व्यापार न जाने कितने लोग कितना बड़ा बड़ा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक जो व्यापारी सबसे ताकतवर था कुछ दिनों तक पैसे के मामले में, उसका कोई कारखाना नहीं है, वो कोई चीज नहीं बनाता, लेकिन पैसे के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। और अब तो ऐसा फैला है कि गांव में भी लोग वही जो नई पीढ़ी के लोग वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो जाकर के अमेजोन पर देखते हैं कौन सा सामान चाहिए उन्हें, वो ऑर्डर करते हैं, वो सामान उनके घर पहुंच जाता है। क्या कभी सोचा था किसी ने? पहले तो पोस्टल ऑफिस से जाता था कभी कभी, और मन बदल जाता था तो पैसे नहीं देते थे, वो वापस चला जाता था। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है, पैसा पहले ले लेते हैं, डिलीवरी आपके पास बाद में आती है। बताओ वो जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की आज कहां नहीं पहुंच गई, और शिकाबाद में भी सामान डिलीवर करती हो, और मोबाइल पर ऐप है सोचो, लेकिन जो मालिक है वो कोई चीज बनाता नहीं है, और उसको देखते देखते बताओ न जाने कितने ऐसे ऐप बन गए। जो टैक्सी चलाने वाला है वो मालिक जरूर है टैक्सी का, लेकिन उस कंपनी का मालिक नहीं है। बताओ ऊबर जैसा काम शुरू हो गया, एक नेटवर्क पर काम कर रहा है, एक मालिक का नहीं है वो गाड़ी का, लेकिन पूरे दुनिया में उसने अपना नेटवर्क फैला दिया, पूरे दुनिया में नेटवर्क फैला, और न जाने कितने लोग उससे जुड़े हैं। और देखो कारोबार में कहीं हीरा फेरी नहीं है, कितना विश्वास का कारोबार है सोचो। अमेजोन पर भी जो ऑर्डर करते हो गया, जो ऑर्डर करते हो गए वही मिलता होगा आपको, कोई हेरा फेरी नहीं है उसमें। इसी तरह अब तो खाने का भी इंतजाम हो गया है, देखिए डिलीवरी देने वाले लोग और जो कारोबार करने वाले लोग हैं दोनों मिल गए। और इसमें अगर आप देखोगे जोमेटो चलाने वाले या डिलीवरी देने वाले लोग जो हैं वो सबसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, कई पीएचडी करे हुए लड़के वही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं इसी में ज्यादा लाभ है, इसी में ज्यादा कारोबार है। और उस ऐप से न जाने कितने खाने वाले जुड़े हुए हैं,
चाहे शुक्रवार में भी मिल जाता हो कहीं ना कहीं खाना, तो इसका मतलब शुक्रवार बैकवर्ड नहीं है, अब ये फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये फॉरवर्ड इलाका है। जोमेटो चल रहा हो यहाँ पर, कितने रेस्टोरेंट है इसको जुड़े हुए, सोचो कितने जुड़े हैं, 10 रेस्टोरेंट जुड़े हुए हैं शिकाबाद के। कोई मिठाई वाला जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? दोस्तों जो खाना खाओ उसके बाद मिठाई भी ऑर्डर उसी से कर दो, आपके घर पे आकर मिठाई मिल जाएगी। अब तो उसमें भी धार्मिक रूप दे दिया भैया। तो धीरे धीरे देखो इंटरनेट ने और टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, कौन कारोबार कर रहा है, कौन कारोबार बीच में है, किसी ने नहीं सोचा था ये काम हो जाए, लेकिन हमने नकल की दुनिया की। लेकिन कुछ अच्छे भी कर रहे हैं हमारे लोग। एक होटल का कारोबार शुरू करने वाला शायद बहुत कम उम्र का होगा, अभी 40 साल का भी नहीं हुआ होगा, ओयो जैसी कंपनी उसने खोली, भारत से खोली। और जब मैं मुख्यमंत्री था, जब वो मुझसे मिलने आए थे तो कोई खास उम्र नहीं थी उसकी, वो बहुत कम हजारों करोड़ का काम कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ हमें और आपको गुमराह कर रही है, हमें और आपको रास्ता दूसरा दिखा रहे हैं, हमें और आपके बीच में नफरत फैला रहे हैं। वही लोग जो हम लोगों से घबराते थे, कहते थे ये तो क्या गठबंधन हो गया, सोचो समाज में कौन सा जहर बोला उन्होंने, ऐसा समाज में जहर बोला कि आपको आइसोलेट करने की, आइसोलेट करने की साजिश रची जा रही है। कह रहे हैं कि हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादियों को सोचना चाहिए इस बात को आप को भी, कि अगर उनके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कोई, तो हम समाजवादियों को भी देश को कैसे अच्छा बनाएं और उत्तर प्रदेश का कैसे निर्माण करें, उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई विजन होना चाहिए, कोई ना कोई सोच होनी चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा सबसे बड़ा सपना है, तो हम समाजवादियों का भी यही सपना होना चाहिए कि हम भी देश को समाजवादी भारत या समाजवादी हिंदू के भारत के इसलिए जब तक आप नहीं खड़े होंगे, और हम कहना चाहते हैं आपसे बड़ी ईमानदारी से इन पत्रकार साथियों के सामने, उनके राष्ट्रवाद में आपकी और हमारी गिनती नहीं है। अगर उनके राष्ट्रवाद में हमारी आपकी गिनती नहीं है, तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या रास्ता अपनाएं। और जब तक आप फर्क नहीं पैदा करेंगे, तब तक आप लोग कामयाब नहीं होंगे। बताओ आपको गुलामी के रास्ते पे ले जाने का फैसला कर रही है सरकारें के नहीं कर रही है? हमने कुछ नहीं कहा 370 पे, केवल हमने सवाल पूछे उनसे। तो बताओ आपको क्या कह रहे थे ये लोग? केवल कश्मीर का सवाल नहीं है, हम तो जानना चाहते हैं कि और भी प्रदेश ऐसे हैं जिन पे ऐसा ही एक्ट के माध्यम से या संविधान ने अधिकार दिए हुए उन स्टेटों को। बताओ उन स्टेटों का कब खत्म करोगे? उसका कोई जवाब नहीं उनके पास, कोई जवाब नहीं उनके पास। इसलिए हमें आपको भी सोचना होगा, अगर आबादी में ज्यादा है तो आबादी में ज्यादा दिखने चाहिए, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपके हमारे साथ साजिश कर रहे हैं। अभी पीसीएसए का रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट का पता होगा, आपको रिजल्ट का पता होगा। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो गई है, क्या कम लोगों के पास पूरी धन दौलत पहुंच गई है, कम आबादी के लोग हैं, कम उद्योगपति हैं, पूरे देश की संसाधन, पूरे देश की व्यवस्था उनके हाथ में है। और उसी तरीके से जो संविधान ने हमें आपको हक और अधिकार दिया है, जो ज्यादा आबादी है उन्हें कम में, और जो कम लोग हैं वो ज्यादा पा गए हैं। आप सोचिए कट ऑफ लिस्ट, हमें कहते थे कि आप आरक्षण इसलिए पाते हो, आप गवार हो, आप कुछ नहीं जानते। बताओ हमारे मेहनत करने वाले नौजवानों की कट ऑफ लिस्ट क्या है?
कट ऑफ नंबर क्या है बताओ आप? आपके कट ऑफ ज्यादा है, आपके बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे ज्यादा पढ़ाई में अच्छे हैं, होशियार हैं, लेकिन उनका रास्ता रोक दिया, अब वो आगे नहीं जा सकते हैं, अपनी सीमा में ही रहकर के उन्हें नौकरी और रोजगार मिल पाएगा। जब हमने पुलिस की भर्ती की थी और उस समय जो पुलिस की भर्ती की थी आखिरी वाली वो ऐसी की थी उससे आसान नहीं हो सकती नौजवानों, हमने कहा कि 10वां 12वां पास करके आओ दौड़ के दिखा दो भर्ती हो जाओगे, और करके दिखा दिया था 32,000। इस बार भी हम कहते हैं जब कभी मौका मिलेगा तो पुलिस की भर्ती कम से कम वैसे ही होगी कि कहीं आपको परीक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। और उस समय जो भर्ती हुई वो एक मुझे नौजवान मिला था कुशवाहा जो आंदोलन को आगे ले जा रहा था आगरा का, बोला हमारे भविष्य के साथ कुछ जुड़ाड़ हो गई, नौकरी निकली, रिजल्ट आया, नौकरी में शामिल हो गया, लेकिन 4 दिन के बाद रिजल्ट बदल दिया गया और 1700 नौजवानों को उस नौकरी मिली हुई से निकाल दिया गया, नई नौकरी मिली उन्हें, सब बाहर कर दिए गए। तो ये बड़ी साजिश है और पीछे जे भी देख लो जो आपको और हमको कभी एक व्हाट्सएप में चलाते थे कि इतने एसडीएम हो गए, इतने एसडीएम हो गए, आज तो समाजवादी सरकार नहीं है, बताओ आपने क्यों भर्ती कर दिया? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार में कैसे अपने आप मेहनत करके निकल गए, और फिर देखो हमारे मुख्यमंत्री जी भी कितने अच्छे हैं, एक्सप्रेस वे बनाया हम लोगों ने, उद्घाटन भी किया हम लोगों ने, उद्घाटन नहीं कर पाए वो, लेकिन चिकन खाने का ढाबा खोल दिया उन्होंने। मैं तो नहीं गया हूं उसमें, ये शायद बीजेपी वालों के लिए खोला गया है चिकन का रेस्टोरेंट। हम जानना चाहते हैं ये वेजिटेरियन एक्सप्रेस वे था हमारा, ये बताओ सरकार ने नॉन वेजिटेरियन कैसे कर दिया? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग बताओ ये एक्सप्रेस वे पे चिकन क्यों बिक रहा है, इसका जवाब दो हमें। अब ये पता नहीं बीजेपी के लोग तेज रफ्तार से चलते होंगे, हालांकि पाबंदी है, अभी नई पाबंदी लगी है उस पे कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए और लखनऊ से चले आगरा और आगरा से लखनऊ अगर आप 3 घंटे से पहले पहुंच गए तो फाइन लगेगा, ये शायद पाबंदी लगाई है। और देखो बचने के लिए क्या किया उन्होंने, खूब रफ्तार से चलो लेकिन आधे घंटे का ब्रेक ले लो और खूब चिकन खाओ फिर चालू हो। सोचो कैसे भाजपा ही है, कितने होशियार हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे उनकी बात, हमें और आपको कैसे धोखा दे रहे हैं बताओ, बताओ धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और नौकरियां नहीं है नौजवानों, याद रखना नौकरियां रोजगार नहीं है, कोई नौकरी रोजगार के अवसर नहीं है, बंद हो रही है कारखाने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर किसी शोरूम वाले के पास चले जाना आप पूछ लेना आप उससे कि बताओ आपकी कितनी सेल डाउन हो गई है, हर सेक्टर नीचे जा रहा है। इन्होंने मेक इन इंडिया का सपना दिखाया था, एलएनटी के सबसे बड़े अधिकारी उन्होंने कहा कि एलएनटी के जो सबसे बड़े अधिकारी उन्होंने कहा कि ये जो सपना दिखा रहे थे मेक इन इंडिया का ये सब फ्लॉप शो है, एक भी कुछ मेक इन इंडिया नहीं हो पाया भारत में, चलो कहीं ना हो पाया हो, हमें शिकाबाद में बताओ कौन सी चीज हो रही है, कौन सी नई चीज बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने बताइए, कौन सा कारखाना फरोदाबाद में लगा दिया बताइए, और ऐसे फैसले लिए हैं फरोदाबाद में कि जो मालदार है वो मालदार हो रहे हैं और जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो सूखे जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला उन कारखानों में। बताओ अभी हम बताते हैं ये किसान बेचारे 2,000 रुपए के चक्कर में चले गए, बताओ ये जो दो कारखाने लगे उसमें मेहनत करने वालों की स्थिति क्या है? भाई भैया पानी ना पी पावत गए बेचारे, उनके शरीर को कोई देखने वाला नहीं है, सही बात है, उनको ऐसी परिस्थितियों में ऐसी जगह पर नौकरी कराते हैं कि जो शरीर नहीं बन सकता उनका,
अगर 20 साल का होगा तो 50 साल का लग रहा होगा। इसलिए इन सवालों को भी आपने को सोचना होगा। और हमारे किसान भाई उसे बेहतर कोई नहीं जानता भैया। गाय माँ को हम भी पूछते हैं, आप भी पूछते हो। अभी जब नसीरपुर कट से बोल रहा हूँ, सबसे पहले गई मैया के दर्शन हुए हमें। और हम लोग तो बहुत समझाए किसानों को कि बताओ तुम्हारी खाद की बोरी से चोरी हो रही है, कोई नहीं माना। और बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और आप दोनों का हिसाब लगा लेना, जो 2000 रुपए आपको मिले कुछ भी नहीं उनके सामने, सरकार फिर फायदे में है। बताओ फायदे में सरकार है कि नहीं है? आप हिसाब लगाना, डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ उसमें कितना वसूल रही है सरकार। और पिछले कई वर्षों से खाद की बोरी में से चोरी हो रही 5 किलो, बताओ क्या हिसाब है उसका। और अभी बिल नहीं आया, बिजली का बिल घर से आवाज आ रही थी, अभी अगले महीने से आएगा, अभी नहीं आया है बिजली का बिल, अगले महीने से आएगा। तो वो हिसाब जो लगा है आपका, हिसाब लगा लेना, 6000 रुपए ज्यादा है कि आपसे वसूले गए ज्यादा है। लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जब मतलब था, जब मौका था, वो मौका आपसे हाथ से छूट गया। अब आपके पास नहीं है मौका, अब मिलेगा 22 में। अब तो साथ से रहोगे कि नौकरी नहीं मिलनी है भाजपा की सरकार में, और भाजपा का लैपटॉप भी इंतजार करते करते थक गए बेचारे ये सब। और हमारा समाजवादियों का लैपटॉप आज भी कहीं होगा तो आज भी चल रहा होगा। जैसे हमारे प्रचार जी और संचालन महोदय याद कर रहे थे कि नेताजी भी यहाँ से पढ़े हैं और यहीं पर किसी कमरे में रहे हैं, हॉस्टल में 1 नंबर में, 8 नंबर। तो जो बात आप याद दिला रहे हो, इसी तरह लैपटॉप भी याद दिला रहा है कि लैपटॉप जब ऑन होता है तो हम ही और नेताजी दिखाई दे रहे हैं। आज भी खराब नहीं हुआ होगा जहां पहुंचा होगा। और हमारे नौजवान तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के लैपटॉप का, नहीं कर रहे। इसलिए बहुत नई पीढ़ी को सोचना समझना पड़ेगा। जब दुनिया हम लोग देखते हैं और दुनिया से आपका बाजार मिला हुआ है, कारोबार मिला हुआ है, और ये दुनिया में इंटरनेट के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद कोई फर्क नहीं है, आपका अपने बीच तो है ही मुकाबला। आप नौजवानों का पढ़ाई में, नौकरी में, रोजगार में आगे बढ़ने का आपके अपने बीच में तो है ही मुकाबला। लेकिन अगर आप और आगे कुछ करना चाहते हो तो आपको दुनिया के लोगों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। अगर दुनिया में हम देखें अपने देश को तो आज हम बहुत पीछे हैं। ये जो झूठे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते हैं, सब झूठे आंकड़े हैं। हम किसी चीज में आगे नहीं निकल पाए हैं। हम पे कर्ज बढ़ा है दुनिया का, हमारे बेरोजगार बढ़े हैं दुनिया में। इतने बेरोजगार कहीं नहीं है दुनिया में जितने भारत में बेरोजगार हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली जा रही है। जो लोग सपना दिखा रहे थे $5 trillion का, हम तो उन्हें आज भी कहते हैं, अगर 5 साल आपने मेहनत की होती और आपने डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत किया होता तो आपको अगले 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज जब बजट लाए होते तो आज आपकी $5 trillion इकोनॉमी होती। लेकिन 5 साल आपने गवा दिए, आपने जनता को झूठ बोल दिया कि हम $5 trillion इकोनॉमी करना चाहते हैं। कैसे होगी डॉलर के मुकाबले? कुछ तो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आज हम कर्ज में आ गए, बेरोजगारी में आ गए और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर दुनिया के आंकड़े देखें, पर आबादी जो हमें डॉक्टर चाहिए वो नहीं है हमारे पास, जो पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, जो हमारे गरीबों को दवाई की सुविधा, इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं है। कहते हैं बीजेपी के लोग, अभी इन्वेस्टमेंट मीट में आए थे उनके बड़े नेता, बोले कि हम उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमने उनसे सवाल पूछा कि ये बताओ 2017 के बाद कौन से 17 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं?
एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है और फरीदाबाद का भी अगर बना है तो अक्षय यादव और समाजवादी पार्टी की वजह से बनना पड़ेगा। कोई बीजेपी का योगदान नहीं है उसमें। और अपराध का तो ऐसा मामला है सुरक्षित चलना, कब किसकी हत्या हो जाए पता ही नहीं। ये हत्या प्रदेश है, ये हत्या प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का नया नाम है हत्या प्रदेश। बताओ इलाहाबाद में हुई कि नहीं हुई हत्याएं? हुई। 12 घंटे में 6 की हत्या हुई। सुल्तानपुर में हत्या हुई, आगरा में। और पुलिस को पैसा दे दो, जिसकी चाहो उसकी हत्या करा लो। बताओ आगरा में रिकॉर्डिंग थी कि नहीं थी बताओ। और पुलिस का दुस्साहस देखो, एटा में एक बेटी के साथ खिलवाड़ की उन्होंने, 4 महीना 6 महीना उसके साथ संबंध बनाए, उसे प्रेग्नेंट कर दिया, तब जाकर के वो पुलिस वाला जेल गया है। सोचो कहां होगा ऐसे देश में, क्या ये राष्ट्र बनेगा हमारा आपका? और बताओ 100 नंबर दिया था, सबसे बेहतरीन हमने व्यवस्था, 100 नंबर इसलिए दिया था कि थाने की ये दादागिरी खत्म हो जाए। जनता क्यों जाए थाने में, पुलिस जाए जनता के पास, इसलिए 100 नंबर दिया था। अब 100 नंबर भी खराब कर दिया, पता नहीं क्या करना है 100 नंबर का। और 100 नंबर में भी बुराई पुरानी वाली है, ये पुलिस की बुराई बहुत पुरानी है, ये नई नहीं है। ये कोई ठीक कर सकता है तो समाजवादी लोग कर सकते हैं। जिसको लग रहा हो कि समाजवादी लोग नहीं ठीक कर सकते, तो अगर 100 नंबर दी है, दोबारा सरकार आएगी तो बताना पुलिस वाला कोई पैसे लेके दिखा दे। नहीं ले सकते हो क्योंकि सैटेलाइट लगवा दी है, सैटेलाइट आई से ही देखेंगे कहां पैसा लिया जा रहा है। अभी सीसीटीवी से बच जाते हो, सीसीटीवी से पकड़े जाते हो कि नहीं पकड़े जाते? इस बार हम लोग सैटेलाइट से देखेंगे कौन पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। भाई लंबी बात करने में क्या फर्क पड़ता है जब बीजेपी वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सैटेलाइट से नहीं देख सकते क्या? बताओ। हाँ देख सकते हैं। और भी हम कोई अगर और याद रखिए, ज्योग्राफी नहीं बदल सकती, सब कुछ बदल सकता है, ज्योग्राफी नहीं बदलती। शायद हम प्रोफेसर टीचर्स होंगे वो जानते होंगे, ज्योग्राफी नहीं बदल सकती, वो ऐसी चीज रहती है। तो क्या है, पकड़ लेंगे इनको, आराम से पकड़े जा सकते हैं। कोई नहीं सोचता था कि 100 नंबर भी हो सकता है, और 100 नंबर हम लोगों ने लागू किया। आप बताइए, एम्बुलेंस भी वही पुरानी है, कोई नई नहीं कर पाई है, और सब एम्बुलेंस खराब कर दी उन्होंने। और ऐसी हालत है अस्पतालों की, दवाई नहीं है वहां पर। अभी एक अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला गई, पहुंची नहीं अस्पताल में, वहीं उसको मां बन के बिछाने। सोचिए स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं है कि इलाज दवाई का कोई इंतजाम है कि नहीं है। लेकिन अब मंत्री बदल गए तो कोई सरकार थोड़ी बदल गई। ये सुना है कि नए मंत्री मिल गए, उनसे क्या फर्क पड़ा नए मंत्री बन जाने से? विभाग तो वही रहेगा, बाबू तो वही रहेंगे, कोई नहीं बदला जाएगा। इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए अपने अगले चुनाव का, और आज से ही तैयारी करनी चाहिए। जो लोग नाराज हैं उन्हें भी मना लिया जाए, भैया मनाओ, भैया मनाओ, लेकिन सब नहीं। जनता की बात कर रहा हूं मैं, नेता की बात नहीं कर रहा। भैया जनता को बना सकते हैं, नेता को नहीं बना सकते। नेता का लक्ष्य कुछ और होता है, इसलिए आने वाले समय में हमें और आपको सोच समझ करके फैसला लेना होगा। उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, कैसे नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी के लोगों को कैसे अच्छी सड़कें मिले, कैसे अच्छे अस्पताल मिले, कैसे नौकरी और रोजगार मिले, क्योंकि अगर ये काम नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल सकता। ये सड़कें बड़ी इसीलिए बनाई और अच्छी क्योंकि नई पीढ़ी को नए तरह की चीजें देना चाहते थे। अभी सुनने में आया कि कहा गया लाल किले से कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए देश को,
यही जो सड़क समाजवादियों ने बनाई है यही नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ जो नई नई मंडियां बनवाई थी यही नया इंफ्रास्ट्रक्चर है।